भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी गई है। भगवान विष्णु को लक्ष्मी क्यों दी गई है? भगवान विष्णु को लक्ष्मी इसलिए दी गई है कि भगवान विष्णु को पूरा संसार का पालन करना पड़ता है, इसलिए भगवान के चरणों में वो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का कुछ रूप भगवान आपके पास भेजते हैं, आपके पास रखने के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं धन आपके पास है, आपके लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? ये तो नहीं आ रही होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो जो शास्त्र बात कहते हैं वही बात बताई जा रही, मानना न मानना तो आपकी बात है। हमारे संत कहते हैं कि परमात्मा ने धन आपके पास दिया है, आपके लिए नहीं दिया है, संसार के लिए दिया है, क्योंकि विष्णु को पूरे संसार का पालन करना पड़ता है। मतलब आपके पास धन है तो आप सबको बांटते जाओ, सहायता करते जाओ सबकी, और जो सबकी सहायता करता है उसकी सहायता फिर परमात्मा करते रहते हैं। बाबा तुलसी ने कहा था धर्म की धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। धन धन धर्म करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि धर्म करने से धन घटेगा वो अज्ञान में है, वो मूर्खता में है। धन धर्म करने से धन घटता नहीं है, और जो आपका दिया वो आपके आगे तक चलता है। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया हुआ संग चलेगा, और बाकी पड़ा हुआ जंग लगेगा। हम जो कुछ भी परोपकार करते हैं वो परोपकार बहुत जगह कई जगह हमारी विपत्ति में, हमारे बुरे समय में हमारे काम आता है, पग पग पर हमारा वो रक्षा करता है। इसलिए धन का सबसे अच्छा सदुपयोग है थोड़ा सा परोपकार भी करते जाए।